अब रोना तो बंद करो बेटा और मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। मकार का दिल मुझसे बहुत खराब हो गया। वो मुझे आपको हम सबको माफ करने के लिए तैयार नहीं। बेटा तुम्हें जरूरत क्या थी उससे मिलने जाने की, वो भी ऐसे अकेले? मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनसे मिलूंगी, बात करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात दीवानी। उसने क्या तुमसे कोई बदतमीजी की है? नहीं, लेकिन उनके पास शिकायतों का एक तूफान खड़ा था। उस तूफान में मुझे डर है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, मुझे हमारे रिश्ते को। तुम लोगों ने मुलाकात कहाँ की थी जी? मेरा मतलब है तुम दोनों कहाँ मिले थे? उनके ऑफिस गई थी पहले और फिर वहां से एक रेस्टोरेंट लेके गए थे। खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो तो मुझे सीधे वो बात भी नहीं करते। आहिस्ता बोलो, अब अपने आप को संभालो। पहले ही तुम्हारे अब्बू और ताया ने सख्त जरा की है मेरे साथ, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब चलो उठो, सबके सामने चल के पेशी दो। लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लो बेटा, सबके सामने सारा इल्जाम तुम मुझ पे डाल देना। कह देना कि अम्मी की इजाजत से मैं वकार से मिलने गई थी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? लेकिन ऐसे तो अब्बू अफवाह होंगे ना मुझ पे, गुस्सा करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इस वक्त तुमसे खफा हो या तुमसे नाराज हो। तुम पहले इतने परेशान, चलो उठो उठो आ जाओ।